मेरा नाम गिरीश है और मैं एक पांडुरना एक छोटा सा ब्लॉक है, सिटी है मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, मैं वहाँ से आता हूँ। तो शुरुआती पढ़ाई लिखाई तो वहीं सरकारी स्कूल में पांडुरना में ही हुई, फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया SETI से, विदिशा स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से। और उसके पहले वो होता है मिडिल क्लास फैमिली और सारा कि एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की जहाँ शिक्षा को बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन शिक्षा सरकारी स्कूल में होती है तो एडवांटेज भी है कि वो सरकारी और शिक्षा को बहुत महत्व है, और फिर टिपिकल मिडिल क्लास की इंजीनियर सस्टेनेबिलिटी और सारा। तो फिर इंजीनियर बनना है तो IIT वही बाजारी दौड़ रेस। तो मेरे स्कूलिंग के बाद फिर मैं कोटा में था, शिक्षा का पूरा बाजार उसे मैं कहूँगा, एक साल। फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग, हाँ लेकिन मेरा बीटेक के लिए IIT में नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग किया स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज SETI विदिशा से। फिर ये था कि मास्टर्स करना है, फिर डॉक्टरेट करना है और फिर IIT में जाके पढ़ाएंगे, मतलब इस तरीके का कुछ चलाना है मामला। तो फिर बैचलर्स वहाँ से और मास्टर्स फिर मैंने IIT खड़गपुर से VLSI में करा, देन कि 3 साल इंडस्ट्री में रिसर्च करेंगे। तो मैं बैंगलोर में 3 साल IBM के साथ माइक्रोप्रोसेसर रिसर्च में था, और वही बिल्कुल सस्टेनेबल ट्रैक वैसे ही कि उसके बाद डॉक्टरेट करके पढ़ाएंगे और फिर शिक्षा का कुछ करेंगे, वो तो बचपन से ही था। तो अगर आप देखेंगे तो फिर बचपन से ही कि एक सरकारी स्कूल, फिर कोटा का वो सारा दौड़, और फिर उसके बाद स्टेट का अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर खड़गपुर IIT खड़गपुर, और फिर उसके बाद आप IBM के R&D डिपार्टमेंट में MIT और यहाँ वहाँ से पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठ के काम करें, तो शिक्षा का अलग अलग लेवल, एक पूरा एक गांव के सरकारी स्कूल से लेके वहाँ तक का आपने सब देखा। तो ये तो समझ में आ गया कि हायरार्की तो है सीखने में और जो सारा है, तो इस पर चीज़ें काम करना है। फिर उसके साथ साथ बचपन से एक चला आ रहा था कि मेरी एक छोटी सिस्टर है, तो दोनों के लिए चीज़ें बराबर तो थी, लेकिन दिखता था कि उतने अवसर उसको नहीं है। और जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ तो उसमें डावरी जो है बड़ा एक मामला था। तो एक तो ये शिक्षा की असमानता और फिर ये जेंडर साथ ही चला आ रहा था। तो फिर ये तय किया था कि कम से कम हम वो प्रश्न तो उठाएंगे ही उसके समय कि इसको चैलेंज तो करेंगे ये सिस्टम को। तो उसी दौरान जब मैं IBM में था तो उसकी शादी की प्रोसेस चालू हुई, उसमें कई सवाल खड़े करना हमने चालू करा उस पूरी व्यवस्था पे। तो उस पूरे कहानी में मुझे ये समझ में आ गया कि वो सवाल मैं खड़े कर रहा था, वो नहीं। और उसका वही था कि भाई शिक्षा जो उतनी समझ है, उस आपके पास एक आर्थिक आत्मनिर्भरता है, फिर आप प्रश्न कर रहे हैं कि चैलेंज कर रहे हैं यार ये ऐसे नहीं चलेगा, लेकिन वो प्रश्न मैं कर रहा था उसके लिए। तो उस कहानी ने मुझे ये समझा दिया कि एक मदद करना और एम्पावरमेंट करने में क्या अंतर है, कि मैं गलत था कि उसकी आवाज़ मैं क्यों उठाऊँ, और उसमें शिक्षा की क्या भूमिका है। शिक्षा से, उस किताबी शिक्षा से मतलब नहीं है, कि ऐसी शिक्षा जो एक सिटीज़न को वो सवाल करने की क्षमता दे रही है और फिर वो उसके पास एक मिनिमम आर्थिक आत्मनिर्भरता भी है। सो ये शिक्षा की प्रयोगशाला है, इसे Section 25 कंपनी भी रजिस्टर्ड इन 2014 में 13 से काम चालू करा वहीं पांडुरना में। और ये था कि शिक्षा की प्रयोगशाला ये है, शिक्षा के प्रयोग डिज़ाइन होंगे और असल क्रिया के साथ होंगे और वो सिस्टम के साथ ही होंगे, उनके साथ ही मिलके पूरा है। तो मुख्य काम जो होगा वो ये होगा कि हमें अब कैसा व्यक्ति, कैसा समाज चाहिए जो शिक्षा बनाएगी, वो तो हमारा NCF और चीज़ें हम उसी के साथ जाएंगे कि एक संवैधानिक व्यक्ति संवैधानिक समाज बने, तो सिस्टम के साथ होगा। अब इसमें हम करेंगे क्या, तो ये हमने एक फिजिक्स, मेरा चूँकि बैकग्राउंड पूरा इंजीनियरिंग सारा था, तो एक रेफरेंस लेक्चर डिज़ाइन करा पूरा 3-4 घंटे का, जिसमें शिक्षा की समानता, गुणवत्ता यानी वैल्यूज़, नॉलेज एंड स्किल, गांधी का फिलोसॉफी माइंड बॉडी एंड सोल वाला की, तो फिजिक्स का पूरा लेक्चर डिज़ाइन करा जैसा MIT का वॉल्टर लेविन का एक रेफरेंस लेके, और उसको अरविंद गुप्ता जी की वो फिलोसॉफी की कचरे से बने इंस्ट्रूमेंट और सारा, वो पूरा 3-4 घंटे का। और फिर सोचा कि पहले चलो जाके स्कूलों में एक साल समझ के तो आते हैं कि करेंगे क्या मिलके, काम तो ये करना है कि बच्चे सीखे कैसे पेडागॉजी, लेकिन उनके साथ मिलके कैसे होगा। तो ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट के 4 ब्लॉक के करीब 50 स्कूल, और हमने परमिशन लेके पूरा 3-4 घंटे सेशन
उस तरीके से करना है, और बच्चों के फिर लेटर्स लेते थे, फीडबैक टीचरों के साथ बैठना, फिर चीज़ें समझ में आई कि अच्छा जो हमें मिलके इनके साथ करना है, तो ये है कि एक इकोसिस्टम नर्चर करना है एक्चुअल में पूरा, जो उसी शिक्षा के उद्देश्य पर रहे और हम इस क्रिया के साथ खड़े रहें, तो जहाँ जितनी कमी है और फिर वो प्रयोग हम उनके साथ मिलकर डिज़ाइन करें। तो ये समझ में आया है कि सीखने सिखाने के तरीकों में, यानी वही पेडागॉजी जो है कि कैरिकुलम भी सरकार ने फिक्स कर दिया या वो शिक्षा विदों ने फिक्स कर दिया कि भाई विज्ञान में ये होगा, गणित में ये होगा, भाषा में ये होगा, शिक्षा कैसी हो ये फिलोसॉफिकली फिक्स है, अब शिक्षा के इन मूल्यों को इन विषयों के साथ कैसे सीखा जाएगा, ये तरीके हमें खोज रहे हैं। सो वी कॉल इट पेडागॉजी, लर्निंग पेडागॉजी। तो उदाहरण के लिए कैसे काम हो रहा है अगर इसको समझना है हमें, तो एक प्राइमरी का मॉड्यूल ले जो ऐसे हैं कि, तो हम इसे कहते हैं पेडागॉजिकल एक्शन रिसर्च पूरे काम को। तो हमने एक पेडागॉजिकल मॉड्यूल डिज़ाइन करा कि अक्षर से लेके कहानी तक, कि बच्चे जो हैं इसको एक्सपीरियंस करें कि अक्षर, फिर अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से कहानी, और फिर उसको परफॉर्म करें। तो चर्चित कहानी मछली जल की रानी है, फिर उसमें क्राफ्ट और उसको एक्टिविटी बेस्ड पूरा। अब ये जो मॉड्यूल है इसको हम खुद भी सिस्टम के अंदर जाके टेस्ट करते हैं, पायलट करते हैं। तो कुछ आदिवासी हॉस्टलों के साथ हम काम कर रहे हैं और कुछ स्कूल्स हमने चुन रखे हैं, तो उनके साथ हम वीकली या दो वीक में एक बार ये सेशंस खुद करते हैं, समझते हैं कि यार ये वाकई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो सारी चीज़ें हैं। फिर सेम सेशन जो है वो हमारे जो फ्यूचर टीचर हैं, ग्रेजुएट वॉलंटियर, ये भी हमारे काम का हिस्सा होते हैं। ये यानी ये है एजुकेशनल लीडर्स नर्चरिंग, कि हम मेन है भाई आपका पेडागॉजिकल एक्शन रिसर्च जो मॉड्यूल हमने करा, ये बच्चों के साथ फ्यूचर टीचर और इन सर्विस टीचर और सीनियर टीचर, ये पूरा इकोसिस्टम, इनके साथ अलग अलग इंटरवेंशन से इनके साथ जुड़ते हैं। इसको कहेंगे सोशल एंटरप्रेनर्स या फिर एजुकेशनिस्ट, या इन शब्दों से मैं परहेज करूँगा, मैं अपने आप को शिक्षा वैज्ञानिक कहता हूँ, और हम कहते हैं कि हमारी जो संस्था है वो एक शिक्षा की प्रयोगशाला है। और अब इसमें कहेंगे चैलेंजेस, तो ये है कि जितने चैलेंजेस हैं वो गिवन है हमारे लिए, मतलब एक एज ए वैज्ञानिक या एज ए इंजीनियर हम कहेंगे तो गणित के सवाल की तरह कि ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो जैसे कि शिक्षकों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, या शिक्षकों की रुचि नहीं है, या समाज शिक्षा को वो समझ नहीं रहा है कि बस वो मगअप करने पर और किताबी पर सिलेबस पूरा हो जाए, बच्चे कितने प्रश्न पूछ पा रहे हैं जो असल शिक्षा की चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है। तो जितने सवाल हैं जो पुराने कामों से निकल के देखते हैं, वो सवाल दिए हुए हैं हमारे लिए। अब इन सवालों के बीच और दिए हुए रिसोर्सेज के बीच क्या हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो वो चैलेंजेस अगर आप कहेंगे तो वो उतने ही चैलेंजेस हैं जो सारे दिए, तो ये हमारे लिए दिए हुए सवाल हैं। तो जब मैंने काम चालू करा तो मैं इसी तरीके की फेलोशिप्स देखता था कि जो मुझे अपने प्रयोग करने दे, और कोई नंबर का रिस्ट्रिक्शन ना रहे कि ऐसा ही करिए या वैसा ही करिए, थोड़ा सा आज़ाद टाइप से कि अच्छा करके देखिए कुछ चला या नहीं चला, देन यू इवॉल्व योर मॉड्यूल और सारा। तो इनफैक्ट और मैं कहूँगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग फेलोशिप इसलिए है क्योंकि मैं अपने फाइनल पैनल डिस्कशन में भी, व्हेन द पैनल इज सिटिंग देयर, तो आई वाज शेयरिंग कि मैं अच्छा यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, तो बोले नंबर में इंटरेस्टेड नहीं है यार, हम लोग तो बोल रहे तुम असल तुम वहीं लग के काम करो। तो आई लाइक दिस फेलोशिप कि इसमें एक बड़ी क्या, जब जेन्युइन जैसे हैं वैसे ही दिमाग लगाइए और अपने प्रयोग पर दिमाग लगाइए, और एक तरीके की आज़ादी, मतलब मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ कि कुछ सीखने के लिए फेल होने की आज़ादी चाहिए, ताकि उस फेलियर से हम सीखें, मतलब अपना प्रयोग फेल होने की, मतलब इंसान तो फेल नहीं होता है, तो वो एक आज़ादी मुझे लग रही है भी इस फेलोशिप में, और जो पिछली दो फेलोशिप का भी मैं पार्ट था, तो आई कंटिन्यूसली लुक फॉर दिस।